Hey guys, what's up? So welcome to the study hub for the competitive exams. So today I am discussing about the SEBI grade A. So पहले यहाँ पे जब SEBI की नोटिफिकेशन निकली हुई थी डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि फेज़ वन और फेज़ टू एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे कैसे इसमें मार्किंग होगी, क्या क्या सिस्टम रहेगा यहाँ पे, और जो जो पेपर होंगे उसमें कितने कितने यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे. तो ऐसी कुछ भी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई थी, तो क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग दे दी गई है. सो कल ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को यहाँ पे रिलीज हुई है ऑफिसर ग्रेड ए के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेज वन और फेज टू एग्जाम का पैटर्न बताया गया है यहाँ पे. तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, देन अवेयरनेस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट्स. तो फाइव सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड होगा और यहाँ पे 200 मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट्स का यहाँ पे टू आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी यहाँ पे टाइम पीरियड. तो यहाँ पे बाईलैंगुअल में आएगा ये पेपर यहाँ पे. तो पहले यहाँ पे ये नहीं दिया गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो अभी ये यहाँ पे डाल दिया गया है. यहाँ पे नोटिफिकेशन सेपरेट इसीलिए डाल दी गई है. तो देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन में, कि जहाँ पे देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी. तो यहाँ पे जैसा कि वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का है फर्स्ट पेपर में, फेज वन में 1 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1/4 जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी. तो सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फेज टू के लिए भी एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बता दिया गया है. तो फेज टू के लिए जैसा कि जर्नल स्ट्रीम और लीगल, आईटी और इंजीनियरिंग तीनों के लिए बता दिया गया है नीचे. तो जर्नल स्ट्रीम में पहला क्या होगा, पेपर वन होगा यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए, और जो स्पेशल यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे लीगल, आईटी, आईटीआई एंड इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे फाइनेंशियल का पेपर होगा. तो 50-50 क्वेश्चन ही आएंगे दोनों में. तो 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा. तो इसमें भी यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज आएंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी. तो यहाँ पे 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी. और इंग्लिश का यहाँ पे स्टार लगा के बताया गया है यहाँ पे, मतलब इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे. दैट यू कैन से 33 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 33.33 का एक क्वेश्चन. सो आप कह सकते हो इसको कि यहाँ पे ये एक एस्से के तरह ही हो गया. तो एस्से की तरह राइटिंग स्किल्स ही यहाँ पे आएंगे, ज्यादा कोई इसमें डिटेल नहीं बताई गई है एस्से में. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एस्से परसीज एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए यहाँ पे बताया गया है. तो जो इंग्लिश का पेपर होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. और थर्ड पेपर जो जर्नल स्ट्रीम के लिए होगा यहाँ पे इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज एंड द फाइनेंस मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो स्पेशलाइज है जो कि जिस स्ट्रीम से हम बिलोंग करते हैं, लॉ वालों के लिए लीगल के लिए लॉ का पेपर होगा, आईटी वालों के लिए आईटी का पेपर होगा. तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी. सिर्फ जो इंग्लिश का पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इंग्लिश में क्या क्या आएगा, एस्से आएगा, पर्सीज एस्से आएगा, प्रेसी आएगी यहाँ पे लिखने के लिए, और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, सॉरी नोट परसी प्रेसिस, तो प्रेसी आएगी यहाँ पे लिखने के लिए. प्रेसी विच इज द 1/3 पार्ट, जैसा कि सारा दिया जाता है ऊपर, 1/3 में उसको मतलब मेन लिखना होता है कि क्या क्या यहाँ पे डिटेल आई है. प्रेसी लिखने के लिए आएगी. 1 एस्से आएगा यहाँ पे, तो एस्से आएगा वो भी 33 मार्क्स का आएगा. प्रेसी आएगी वो भी 33 मार्क्स की आएगी. और 1 यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो भी 33 मार्क्स का ही आएगा. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे. तो इसमें यहाँ पे 1 आवर में हमें यहाँ पे तीन, मतलब एक कह सकते हो आपकी 3 एस्से ही लिखने हैं एक प्रकार के. सो 20 मिनट्स फॉर द 1 एस्से. सो दिस वन इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जो सो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा पेपर टू, और यो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 3 है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी. सो दिस वन इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर द सेबी ग्रेड ए. सो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है. सो आई अपलोड दिस वीडियो. सो आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हो. मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो. और अगर आप देखा जाए तो ये सारा आरबीआई को ही फॉलो करते हुए चलेंगे. यहाँ पे उसी लेवल का यहाँ पे एग्जाम होगा आरबीआई की तरह ही. दिस वन इज द ग्रेड ए, वो ग्रेड बी के लिए एग्जाम है. सो दिस वन इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये अपडेट मिल सके. सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स. आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते ही रहेंगे. जो भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं यहाँ पे अपलोड कर ही दूंगा. तो फ्रेंड दिस वन इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड द न्यू अपडेट्स. तो फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ पे इतना ही. सो हैव ए गुड डे.